अपने जो वर्कआउट करना है मूवमेंट के साथ करना है, या तो वीडियो देख के पूरा मूवमेंट देखो भाई का कैसे वर्कआउट कर रहा है, या तो कोई आपके साथ जैसे पार्टनर कर रहा है जिसको एक्सपीरियंस अच्छा है उससे पूछ लो कि भाई ये वर्कआउट सही चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन मूवमेंट क्या कर रहा है। किसी को वेट पे ध्यान नहीं देना, वेट नहीं मारना है ज्यादा, ठीक है ना। आप जब वर्कआउट मारना सीख रहे हो तो पहले आप परफेक्ट मूवमेंट सीखो, वेट अपने आप उठ जाएगा आपसे। वेट के चक्कर में रहोगे तो हमेशा पीछे रहोगे। वेट सिर्फ, आज बात सुन लेना, वेट सिर्फ गधे उठाते हैं। जो बॉडी बिल्डर होता है वो ध्यान से वर्कआउट मारता है पूरा परफेक्ट। हे गाइस, वेलकम टू मुकेश मंडल व्लॉग्स एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे हो, एंड जब इतना प्यार दिखा रहे हो मेरे व्लॉग्स पे, एंड मुझे इतना प्यार से सपोर्ट कर रहे हो, फाइनली हमारा 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सब ऐसे ही मुझे प्यार दिखाते रहो एंड सपोर्ट करते रहो, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड ज़्यादा लेट नहीं हुए हम, फटाफट हम डायरेक्ट जिम जाते हैं और डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हुए मिलते हैं, ठीक है। आज हम मारेंगे शोल्डर, ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हुए मिलते हैं, ठीक है, चलो। डायरेक्ट आ जाओ।
स्टार्ट। नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे अपराइट रोज 5 kg वाली प्लेट से, 5 kg वाली रोड से, लास्ट साइड में कराऊंगा पावर, ये वाली रोड से करनी है, ढाई ढाई बढ़ाना है, 5 से शुरू करो, ढाई ढाई की 2 लगाओ, फिर ढाई बढ़ा दो। नहीं नहीं सही है सही है, वो जब 5 6 6 5 हो गया ना, 2 3 4 5 6 7 बढ़ाओ, 1 2 ढाई के लेके जल्दी करवाते, 3 4 इधर तो सेट हो गया, 5 जल्दी लेके आओ भाग के, 6 ले आओ जल्दी, 5
थाइस की सीट से पूरा घुमा, डंबल पूरा घुमा, शाबाश, और पूरा ऊपर हिट कर ऊपर, ये जो चेंज करा रहा था उस पर ध्यान दे रहा, हल्का सा जो हमारा ये डंबल प्रेस है हल्का सा चेंज हुआ, जो आर्नोल्ड है लगभग हल्के से मसल हीट होगा थोड़ा, तो हमने एक्सरसाइज हल्की सी चेंज करी है तभी ये ज़्यादा पंप करेगी। अब बोल ये सेट आराम से करना, जो गुरु जी ने हम बैंड जो आर्नोल्ड मारे तो हाफ में हम निकाल रहे हैं, हम जो पूरा जो कर रहे हैं ना वो अलग ही मसल पंप कर रही है, जो हिट हो रही है ना मसल में वो अलग ही लेवल में हो रही है, तो एक बार ट्राई करना, वेट ज़्यादा नहीं लेना, नॉर्मल वेट लेना है, ठीक है, रिजल्ट जो भी आए जैसा पंप आए कमेंट बॉक्स में बताना। बिल्कुल प्रॉपर आप लोगों को ऐसा ही करना है जैसे यहाँ पे हो रहा है, अब 12 से 15 रेप इनफ हो गए, वेट ज़्यादा नहीं रखना, बिल्कुल परफेक्ट। कमेंट में बताना, 12 से 15 रैप ही निकाल लें, ज़्यादा नहीं निकाल लें, ठीक है। नेक्स्ट वर्कआउट करो आप फ्रंट रोड, फ्रंट रोड हम ज्यादा सारे करते हैं भाई, वैसे नहीं करेंगे, हम अलग स्टाइल से करेंगे। यार तो ले यार मेरे जान, ये ग्रिप रख ली हमने,
ठीक है, और ये पुश करना है, 1 2 3 करो, 5 kg वेट लगाओ, लास्ट सेट पावर करना। बताओ भी और कुछ करना है? बटर ये कर ले, ये कर ले भाई, 10 kg का मार। ये सर यहाँ से सही से जैसे तू देख रहे हैं, चार लोग हैं, 5 के वेट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरह ना उसी पोजीशन में ना गुरुजी ने बताया ये कैसा है। तीसरा बात है ये स्लो अप, तो बहुत चल रहा था भी निकला हुआ है, मैंने निकाला भाई पांचू, ये खाएगा पहले इसको, मैं चिकन दिला रहा हूं पहले, ठीक है या तो वीडियो देख के पूरा मूवमेंट देखो भाई का कैसे वर्कआउट कर रहा है, या तो कोई आपके साथ जैसे पार्टनर कर रहा है जिसको एक्सपीरियंस अच्छा है उससे पूछ लो कि भाई ये वर्कआउट सही चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन मूवमेंट क्या कर रहा है। किसी को वेट पे ध्यान नहीं देना, वेट नहीं मारना है ज्यादा, ठीक है ना। आप जब वर्कआउट मारना सीख रहे हो तो पहले आप परफेक्ट मूवमेंट सीखो, वेट अपने आप उठ जाएगा आपसे। वेट के चक्कर में रहोगे तो हमेशा पीछे रहोगे। वेट सिर्फ, आज बात सुन लेना, वेट सिर्फ गधे उठाते हैं, जो बॉडी बिल्डर होता है वो ध्यान से वर्कआउट मारता है पूरा परफेक्ट। नेक्स्ट वर्कआउट हम करेंगे श्रस, अब उसपे जितना हैवी वेट आप गेन कर सकते हो बढ़ा के आप मार सकते हो, लेकिन हैवी वेट में भी 10 से 12 रिपीटेशन चाहिए हमें। लाइट से शुरू करो फिर हैवी मारना, ठीक है मेरे भाई। हल्का सा एक मिनट हो जाओ, हल्का सा शोल्डर को डाउन कर, डाउन बस, अब खींच, होल्ड नीचे पूरा 100% नहीं आना, 70% बस, होल्ड हर रैप में होल्ड ले मसल पकड़ के, 1 2 3 20 4 आया 5 स्लो 6 पकड़ के 7
एट, नीचे नहीं आने देना रोड को, नाइन टेन स्लो, वन टू थ्री फोर फाइव, चल फाइव और चल, वन टू होल्ड, थ्री फोर फाइव, प्रॉपर देखना गुरु जी कैसे करवा रहे हैं, होल्ड करना है और 70% को कह रहे हैं नीचे नहीं आना, ओनली 30% नीचे आ, फिर पूरा खींच देना, ठीक है। मैंने ओनली 10 के जी वेट बढ़ाया, पहले 20-20 था, अब 30-30 है, जिस मूवमेंट पे कर रहा हूँ उसी मूवमेंट पे करना है, 15-18 रैप। प्रॉपर कैंडा तभी आपको फर्क दिखेगा, कॉलर पे फर्क आएगा, शोल्डर ये होते हैं, कॉलर ये होते हैं, ठीक है, जो ये कंफ्यूजन सबको होती है। हमने फिर वेट बढ़ाया 12-15 रैप, कुछ भी करके निकाल लें, होल्ड करके आज शोल्डर ही निकाल देने, आज शोल्डर या आज हम आप लो फील कर रहे हो और जिम आके आपने प्री वर्कआउट नहीं लिया और वर्कआउट करने में लग गए, इससे आपकी बॉडी मसल गेन नहीं होगी बल्कि आपको वीकनेस महसूस होगी। फुल वर्कआउट, फुल डाइट और फुल मूवमेंट के साथ, सब कुछ फोकस के साथ करना है। ये भाई भी आज इन्होंने भी शोल्डर का वर्कआउट करा, ये भाई भी काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े पड़े, ठीक है ना, ये भाई भी काफी फैटी थे, इन्होंने 30-35 किलो वेट लूज करा। और ये आजकल बंदे कहते हैं कि भाई हमारा टाइम नहीं, हम जॉब कर रहे हैं, ये भी जॉब वाले बंदे हैं, वर्कआउट के लिए टाइम निकालना पड़ता है मेरे भाई, आज के टाइम में, आज के रूटीन में हर कोई बिजी है, थोड़ा बहुत टाइम निकालो और हमारा वर्कआउट देखो और बेस्ट वर्कआउट खुद करो। अगर आपके पास कोई वो नहीं है बताने वाला, कोई आपके पास ट्रेनर, तो आप भाई का, भाई ने जो अपना नंबर डाल रखा है, आप फोन करके वर्कआउट, आपको थोड़ी बहुत डाइट की नॉलेज लेनी है तो आप ले सकते हैं। हेलो फैमिली, हमें बहुत खुशी है कि हमारी 1K फैमिली हो गई है और इतनी जल्दी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, इसके लिए भाई मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया जाहिर करना चाहूँगा। हमारे गुरु जी भी कुछ बोलना चाहते, जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए भाई, आपका ऐसे ही प्यार हमें चाहिए, ठीक है ना, जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहेगा, हम भी आपको नॉलेज देते रहेंगे अच्छी से अच्छी, ठीक है, धीरे धीरे हम कभी ऐसा करेंगे डाइट की वीडियो भी डालेंगे आपके लिए बना के, वेट लूज के लिए, वेट गेन के लिए, जिसको जैसी डाइट बतानी है हम सारी बताएंगे, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू एंड अपना प्यार ऐसे दिखाते रहो। मेरी डार्लिंग देख रहे हो चिकने को, आप बिरयानी के लिए बंदा लड़ाई कर रहा है, ये बंदा बिरयानी नहीं खिला रहा, हम सब जा रहे हैं बिरयानी खाने, ये रे भाई हमारे भैया, मेरे पार्टनर, मेरे जिगरी जान,
इनको भाई लाइक फॉलो शेयर सब कुछ करो। थैंक यू, बहुत अच्छे राइडर है भाई, मजा आ जाएगा। ये भाई इसकी तो बात ही अलग है। चलो हम डायरेक्ट अब बिरयानी खाते टाइम या फिर रोड पे घूमते घूमते चलते हुए मिलते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, ये है बिरयानी का ब्लॉग, जिम के बाद बिरयानी ब्लॉग। भाई दिखाता हूँ कितने बंदे हम जा रहे हैं अभी इस टाइम। ये देखो ये बंदा भाई जो नखरे कर रहा है, मुंह छुपा रहा है अपना। सबों ने महंगी महंगी बाइक ले रखी है। कोई फालतू ना बोल सका, सारे जिम वाले बंदे हैं तगड़े तगड़े। यही वो भाई, यही भाई वो तुमने शोल्डर का, तुमने शोल्डर के वर्कआउट ज्यादा कर लिया, तो वही ऐसे करोगे। ये रहे हमारे हुक्केबाज। देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। अभी हम तो बिरयानी खाएंगे, हमसे और कुछ नहीं खाया जाता, जिंदगी हमारी बर्बाद है। ये देखो बस यही काम रह गया इसका, धुएं धुएं। चलो खाते खाते पीते फिर बात करते हैं। हमारा हो चुका खाना पीना डन, पेट हो चुका है टन टना टन। अब आ रहा है मज़ा, अब थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और घर जाएंगे। ये ब्लॉग अपलोड कर दूंगा जैसे भी है खाने पीने का,